ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस यात्रा में भाग लेने वाले फेसबुक, यूट्यूब आदि के समस्त यात्री गण, आप सभी भक्तों का ब्रजमंडल 84 कोश परिक्रमा के 29वें दिन में, सेकेंड लास्ट डे है। मने शुरुआत में वो थतु तू कि आ शंघ द्वारिका पहुँचे, पण पहुँची गयो, मतलब सेकेंड लास्ट डे। ये बधाने थैंक्स गिविंग नू शूँ कहवाय, बधाई, हैप्पी थैंक्स गिविंग। खाली बोलशो कि कंई करशो ते। सो 29वें दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सो परम सौभाग्य से विभूषित पूरे 12 महीनों में मुख्य पवित्र चतुर्मास और चतुर्मास का भी राजा कार्तिक मास, और कार्तिक मास का सार कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन जिसे भीष्म पंचक कहते हैं, पावन पितामह भीष्म के ये दिन है। इन दिनों में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से ज्ञान प्रदान किए, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर दर्शन किए, और भगवान कृष्ण ने ऐलान किया कि इन 5 दिनों में भीष्म देव को अर्धांजलि अर्पण करेगा, उसे मुझ कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, उनकी सारी मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। स्वाइये दादाजी को अर्धांजलि देकर, पितामह भीष्म को कुछ अर्धांजलि देकर हम हमारे सत्र को आगे बढ़ाए। यूं तो पितामह भीष्म ने बहुत ज्ञान दिया, मेरा जब तक पढ़ाई लिखाई पिछले कुछ वर्षों से कर रहा हूं, हमारे वैदिक वांग्मय में, वैदिक साहित्य में सबसे लंबा उपदेश यदि किसी व्यक्ति ने दिया, मैं साइज की मात्रा में बता रहा हूं, तो वो है पितामह भीष्म। अनेकों अध्यायों में महाभारत आधा पितामह भीष्म से भरा हुआ है। देश धर्म, राज धर्म, समाज धर्म, स्त्री धर्म, अनेकों प्रकार के वर्णाश्रम आदि धर्म पितामह भीष्म ने बहुत कुछ बताया। और जानकारी के लिए कह दूं कि पितामह भीष्म ने ये इतना बड़ा ज्ञान दिया किस अवस्था में, बाणों की सैया पर सोते हुए, शर सैया पर, बाणों की सैया पर सोते हुए
पितामह भीष्म ने यह ज्ञान दिया, ऐसा कार्य तो भीष्म ही कर सकते हैं। हम वक्ताओं को तो भीष्म की पूजा करनी चाहिए, हैं? जो एसी के बिना प्रवचन शुरू नहीं कर सकते, पंखा न हो तो पसीना पसीना हो जाता है, माइक न हो तो काम ही नहीं चलता है। लेकिन सोचिए पितामह भीष्म, कोई सुख सुविधा नहीं, सुख सुविधा तो छोड़िए नॉर्मल कंडीशन भी नहीं, बहुत दारुण परिस्थिति पितामह भीष्म की थी। बाणों की सैया पर वो सोए हुए थे और उस अवस्था में वे यह सुंदर ज्ञान प्रदान किया। कल मैं इस बात पर भक्तों में सोच रहा था, कल कई बार कोई वक्ता, कोई भक्त या कोई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे लिए प्रवचन करने के लिए बहुत सुविधा जुटाएंगे, या फिर कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन देंगे, खाना पीना देंगे। मेरे स्मरण करने की श्रृंखला में सबसे पहले ध्रुव महाराज आए। प्रत्येक माँ बाप सोचते हैं कि अच्छा दूसरों से अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, बच्चों को बहुत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप ध्रुव महाराज को देखिए, ध्रुव और उनका भाई उत्तम, ये दोनों का जन्म एक साथ हुआ, एक ही दिन में। और ध्रुव महाराज की परवरिश झोंपड़े में, उसके भाई उत्तम की परवरिश महल में, और दोनों बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो उत्तम महल में तो क्या क्या खाता होगा आप सोचिए, रोज सुबह होते ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर। एक और ध्रुव का भाई उत्तम बिल्कुल मसाला मेवा, बड़ी उत्तम उत्तम वस्तु खा रहा था, और उसी समय दूसरी ओर ध्रुव सूखे बेर सूखे पत्ते, बिल्कुल दरिद्र जीवन था, झोंपड़ी में रहते थे। और दोनों बच्चे धीरे 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 बड़े हुए, और बड़े होने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, बहुत ऊंचे महल में रहकर काजू बादाम पिस्ता और मेवा खाने वाला लड़का कुछ नहीं कर, आखिर यक्षों के साथ युद्ध में मर गया, और झोंपड़ी में रहकर रूखा सूखा खाने वाला 6 महीने में भगवान को पा गया। इसका अर्थ ये बाहरिक सुख सुविधा भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मैं पितामह भीष्म को लेकर कह रहा हूं, पितामह भीष्म ने इतना बड़ा ज्ञान दिया बाणों की सैया पर सोकर, यदि भक्ति करनी ही है तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति को बाहरिक सुख सुविधा टच नहीं कर सकती। फिर हमारे गोस्वामियों को देखिए, हम लोग खा पीकर मौज मारते हैं, कोई कमी खाने पीने में नहीं है, लेकिन बुक पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट बुक पढ़ी तो नींद आ जाती है। बुक लिखना और सोचना दूर की बात है, आचार्यों ने मेहनत करके सब कुछ रेडीमेड हमको दे दिया है, उसे पढ़ने में ही नींद आ जाती है। कितनी सुख सुविधा में हम हैं, और हमारे गोस्वामी गण केवल छाछ पीकर जीते थे, 5-7-10 दिन में एक बार रोटी सूखी मिल जाती वो खाकर अपना समय बिताते, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और क्या क्या कमाल किया। सो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भक्ति स्वतंत्र धर्म है, भक्ति के लिए ये बाहरिक सुख सुविधा की, बाहरिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं रहती। कुछ लोग कहते हैं भक्ति के लिए उम्र होनी चाहिए, ये छोटे छोटे उम्र में भगवान नहीं मिलते। तो रूप गोस्वामी कहते हैं ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी। तो कुछ लोग कहते हैं भक्ति करने के लिए डिग्री चाहिए। मैं कई ऐसे मंदिर जानता हूं, उस मंदिर में यदि डिग्री ना हो तो एंट्री नहीं मिलती, आपको ब्रह्मचारी बनना है फुल टाइम। सो भक्ति करने के लिए डिग्री चाहिए। मैं मेरी बात कहूं, डिग्री वाले को भगवान बहुत देरी से मिलते हैं, भगवान जो है सहज लोगों को जल्दी मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं बस भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, डिग्री चाहिए। तब रूप गोस्वामी लिखते हैं,
विद्या गजेंद्र का, विद्या के पास, गजेंद्र के पास कौन सा सर्टिफिकेट था, गजेंद्र के पास कौन सी बड़ी विद्या थी? तो कुछ लोग कहते हैं भजन भक्ति करने के लिए भाई पैसे वैसे चाहिए, थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा बैंक बैलेंस कर देते हैं, फिर भजन करेंगे। तब रूप गोस्वामी कहते हैं किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था? लेकिन बिना धन के ही भगवान पा गए। कुछ लोग कहते हैं प्रभाव चाहिए भक्ति करने के लिए, हैं हम बोले तो सामने वाला चुप हो जाए, कुछ प्रभाव चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने कहा यदुपते अग्रस्य किम पुरुषम, यदुकुल के राजा उग्रसेन के पास कौन सा बड़ा पुरुष था? तो कुछ माताएं कहती हैं कि नहीं, मंदिर जाएंगे सज धज कर जाएगी, मेकअप करके जाएगी, भक्ति के लिए रूप चाहिए, जब थोड़ा सा अच्छी लगेगी तब भगवान मिलेंगे। तब अंत में कहते हैं कुबजा कुबजा किम नाम रूप अधिकम, कुबजा का कौन सा नाम था, कौन सा रूप था, लेकिन पा गई भगवान कृष्ण को। तो कंक्लूजन रूप गोस्वामी कहते हैं कि कंक्लूजन ये है भक्तियां तुष्टति केवलम नच गुणे भक्ति प्रिय माधव। भगवान जो है ना, भगवान और भक्ति स्वतंत्र है, वो संसार की इन वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, चाहे हो न हो इस पर कोई डिपेंड नहीं होता। सो इस प्रकार पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए थे। अब हमें तो सब्जी संवारते हुए थोड़ी सी चक्कू लग गई ना उंगली में और खून निकले, आज माला नहीं हो पाएगी। फिर भी पितामह भीष्म के शरीर में बाण लगे थे, फिर भी मानो पितामह भीष्म को कष्ट थोड़ा बहुत था, परंतु सूद गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के सामने आए तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके पितामह भीष्म का सारा कष्ट दूर हो गया, पितामह भीष्म का सारा परिश्रम दूर हो गया। सिद्धांत ये मिलता है कि जीवन में भागदौड़ करने का परिश्रम हो, रात दिन मेहनत करने का परिश्रम हो, जीवन में हम थक जाए, जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट दुख दारिद्र्य हो, एक बार यदि कोई श्याम सुंदर भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेगा सारा परिश्रम दूर हो जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा, सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ये प्रमाण पितामह भीष्म का है, कृष्ण को देखकर सारा युद्ध का श्रम दूर हुआ। और कृष्ण को देखकर ऐसा सूत जी कहते हैं कि पितामह भीष्म जिस बाणों की सैया पर सो रहे थे वो बाणों की सैया फूलों की सैया जैसी लग रही थी। बस यही भक्ति ऐसी होती है, आप समझ लीजिएगा, जो भजन करता है बाहर से ऐसा लगता है कि इसके शरीर में बाण लगे हैं। अब बाहर से तो क्या दिखाई देता है, पितामह भीष्म के शरीर में असंख्य बाण, लेकिन अंदर से क्या था, वो बाणों की सैया फूलों की सैया लग रही थी। सो कदाचित भक्त के जीवन में बाहर से कोई कष्ट हो दुख हो, परंतु वह भक्त निरंतर भगवान का दर्शन करता है, आंखों से कानों से श्रवण कीर्तन करता है, तो संसार का दुख भी उसे फूलों के समान लगने लगता है। सो ऐसे पितामह भीष्म बहुत बड़ा ज्ञान दिए, उन बहुत बड़े ज्ञान में से एक एक समुद्र है, वो तो एक बूंद में आपको चखा दूं और दादा को अर्धांजलि देकर हम लोग परिक्रमा की ओर आगे बढ़ेंगे। पितामह भीष्म ये बात शरशय्या पर सोए हुए भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में पांडवों को बताते हैं। ये भीष्म दादा को अर्धांजलि है भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। नयस्य करहिचीद राजन् पुमान वेद विधीत्सतम् यद्वि जिज्ञासया युक्ता यद्वि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ते कवयोपि मुह्यन्ते कवयोपि।
पितामह भीष्म शरशय्या पर सोए हुए अत्रि वशिष्ठ नारद शरदवान अरिष्ट नेमी अंगिरा भृगु अनेकों ऋषि मुनि वहां पर लाखों की जमात थी। स्वयं भगवान कृष्ण भी थे लेकिन सबसे निकट धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे और धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म कहते हैं कि हे राजन, यहाँ पर संबोधन पहली लाइन के अंत में संबोधन है राजन, माने पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को राजा कह रहे हैं और राजा कहते हुए बड़े आनंद का एहसास, बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो कहते हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, अस्य अस्य माने ये जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ना, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण, पितामह भीष्म से हाथ लंबा करके, मतलब ये अस्य जो ना इशारा है कि अस्य ये जो पीताम्बरधारी सुदर्शन धारी श्याम सुंदर कृष्ण जो है ना, अस्य भगवान कृष्ण करही चित, इस कृष्ण को कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। पुमान वेद विदित सतम, भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं जान सकता, ये पहली लाइन में कहते हैं। नहीं यस्य करही चित, कोई भी व्यक्ति अस्य इस कृष्ण को नहीं जान सकता। पुमान वेद, वेद माने जानना, पुमान माने मनुष्य या फिर देवता, सो कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता, कोई भी व्यक्ति नहीं यस्य करही चित्र, इस कृष्ण को कोई नहीं जान सकता। अब कहा तो बहुत जाता है कृष्ण को जानो, कृष्ण को समझो, हाँ कृष्ण को जानना चाहिए, कृष्ण को समझना चाहिए, इसी के लिए जीवन मिला है। गीता में कृष्ण कहते ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्व, तत्व से मुझे जानो समझो। हम जानने का प्रयास भर कर सकते हैं, बाकी कोई कहे कि मैं कृष्ण को जान लिया तो हवा आने दे, तू कृष्ण को, मैं कृष्ण को समझ गया हूं, मैं कृष्ण को घोल कर पी गया हूं, तूने कुछ और पिया होगा, देखा एक बीजू पीदू हो तूने कुछ लोग कहते ना, मैं भागवत को घोल कर पी गया हूं, मैं पूरी रामायण को घोल कर, नहीं यस्य कर ही चेत। भक्तो एक बात समझ लीजिए, आज एक पॉइंट आया, एक बात आप समझ लीजिए, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त और शास्त्र ये किसी के वश में नहीं हो सकते। भगवान, भगवान के शुद्ध भक्त और शास्त्र ये किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकते। यदि कोई चाहे कि मैं भगवान को वश में करूं या शास्त्र को वश में, कुछ लोग कहते ना कि बस ये शास्त्र मुझे याद है, याद है, मैं मेरी बात करूं, मैं 15 साल से कुछ श्लोक रोज गाता हूं लेकिन कभी कभी भूल जाता हूं, एमा भाजी फाको नो मरे, मुझे तो सब आता है, मैं तो है? शास्त्र कभी किसी के वश में नहीं हुए। सो नहीं यस्य करही चित राजन पुमान वेद विदित सतम, वेद शुद्ध भक्त गुरु या भगवान कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। इनको समझना बड़ा कठिन है और कृष्ण को समझना, कृष्ण के विषय में कहते हैं कि कृष्ण को समझना और कृष्ण के प्लानिंग को समझना ये तो कोई नहीं जान सकता, पितामह भीष्म कहते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह कोई तो कृष्ण को समझता होगा, कोई तो कृष्ण को जानता होगा। तब तीसरी लाइन में भीष्म जी कहते हैं, यद्वि जिज्ञासया युक्ता, हे युधिष्ठिर, यत, यत माने जो व्यक्ति जिज्ञासया युक्ता, जो व्यक्ति कृष्ण को समझने का प्रयास किया, जो व्यक्ति कृष्ण को के मन को, कृष्ण के भाव और अनुभाव को जानने का प्रयास करने गए, तो मुह्यन्ति कवयोपि हैं, तो बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े सूरा, बड़े बड़े देवता भी मुह्यन्ति, मुह्यन्ति माने मोहित हो गए, माने उनकी माया में फंस गए, मोहित हो गए, कृष्ण को तो नहीं जान पाए उल्टे वही मोहित हो गए। इसलिए हे युधिष्ठिर, इस कृष्ण के भाव अनुभाव को कोई नहीं जानता, कृष्ण के मन में क्या प्लानिंग चल रहे हैं ये कोई, ये बात आप समझ लीजिएगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई दुख आता है, हम सीधा ब्लेम भगवान को करते हैं,
कोई भजन भक्ति कभी भगवान के मंदिर में भी कोई नहीं जाता होगा ना, लेकिन जब कष्ट होगा ये सब भगवान का कराया कर है, ये सब भगवान हमको दुख दे रहे। जब सुख दे रहे थे तब भगवान याद नहीं आए, जब जीवन में आनंद सुख प्रसन्नता थी तब भगवान याद नहीं आए, जब दुख आते हैं तब भगवान को याद करते हैं और सारा ब्लेम भगवान को देते हैं। विशेष करके डिवोटियों के लिए, हम भक्तों के लिए जो हम भक्ति में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे जीवन में भजन भक्ति करने के बाद भी, भजन करने पर भी कोई उथल पाथल हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें यही समझना चाहिए ये कृष्ण का कोई प्लान है। भगवान कृष्ण नक्की हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, वो हमारा कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की जो बाजी है ना वो कोई नहीं समझ सकता। पितामह भीष्म का ये कहना है, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजीगर यदि कोई है तो ये तेरे पीछे खड़ा ना वो श्याम सुंदर है, वो ऐसी बाजी खेलता है, वो ऐसा ऐसे ऐसा कार्य मैं तो देखता हूँ। अर्जुन तूने क्या देखा? सब कुछ मैंने देखा, इसलिए तो दुर्योधन के पक्ष में था मैं, दुर्योधन के पक्ष में खड़े खड़े मैं सब कुछ देख रहा था कि ये क्या चक्कर चला रहा है, लेकिन इसको कोई नहीं समझ सकता। लिस्ट निकाला जाए, ब्रह्मा से शुरू कीजिए। ब्रह्मा ने कृष्ण को जानने का प्रयास किया, वो गाय और बछड़े चुरा कर लेकर गए, मुह्यंती मोहित हो गए। इंद्र आया, इंद्र भी मोहित हुआ, इंद्र भी कृष्ण को नहीं जान पाया। और भी अनेकों लोग आए, शिवजी भी एक बार मोहिनी के पीछे स्त्री समझकर दौड़ने लगे। बड़े बड़े लोग मुह्यंती यत सूरय, इसके भाव को अनुभाव को नहीं जान सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण ने जो कहा है उन बातों को जीवन में उतार कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में कहा है उनको जानने का प्रयास नहीं करना है, उन्होंने जो कहा है वो जीवन में उतारें और जीवन को धन्य, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई अनुभाव को समझने जाएंगे तो इनकी लीला अद्भुत है। हम ब्रज में, अभी हम गोकुल में हैं, ब्रज मंडल परिक्रमा करते हुए 29वां दिन गोकुल में हैं। आज हमें गोकुल से रावल जाना है, आज सेकंड लास्ट डे है। सो हमें गोकुल से रावल जाना है, लेकिन पितामह भीष्म की बात को स्मरण करते हुए, जैसे भीष्म ने कहा कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता, तो यहाँ पर आप देखिए कि माँ यशोदा कृष्ण को पकड़ रही है। कल आपने सुना कृष्ण सो रहे थे तो तम स्तन्य काम, कृष्ण को दूध पीने की कामना हुई, वहां पर शब्द आया काम। अब कृष्ण को कौन समझ सकता है? गीता में खुद कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। अर्जुन काम को त्यागो, काम ठीक नहीं है। काम येश क्रोध येश रजोगुण समुद्व, काम जो है हमारा शत्रु है। अब स्वयं कृष्ण गीता में ये कहते हैं, और कृष्ण के जीवन में ही काम उत्पन्न हो गया, दूध पीने तम स्तन्य काम, बस दूध चाहिए, दूध पीने की कामना हुई। अच्छा चलो दूध मिल गया तो फिर इनको लोभ हो गया कि मुझे और दूध चाहिए, और दूध चाहिए। ठीक है चलो लोभ हुआ, यशोदा मैया कृष्ण को छोड़कर चली गई तो क्रोध उत्पन्न हो गया। अब इस बंदे ने जो तीन चीज करने के लिए मना किया वही खुद कर बैठे, काम लोभ और क्रोध। अब हम इस पर कुछ कमेंट करने जाए कि इसने मना किया और खुद ही ऐसा बोलते हैं ये करते हैं, तब पितामह भीष्म कहते हैं भाई इस पर कोई विचार मत करो, यदि इस पर विचार करेंगे तो मुह्यंती, बड़े बड़े लोग इसमें मोहित हो गए। सो कृष्ण के भाव अनुभाव को समझना मुश्किल है, कठिन है, इसलिए गुरु महाराज के शब्द याद आ रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस पॉइंट पर कहा करते थे कि भाई देखो इसको समझने का प्रयास छोड़ दो, बस इसकी कथा गा सुननी चाहिए और जीवन को पवित्र करना चाहिए, गाते रहो सुनते रहो, इसमें ज्यादा उंडा उतरने का प्रयास मत करो कि ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया। खैर आइए, तो कल हम सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण उस मटके को तोड़कर भागे, भागे तो माँ यशोदा
क्रोधित हो गई और हाथों में छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए भागी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तमात यष्टिम प्रसमीक्ष्य सत्वरस ततो वरुया पससार भीतवत गोपियन्न धावत यमाप योगी नाम शमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। बहुत सुंदर बात। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तमात यष्टिम, यष्टिम माने वो लकड़ी, माँ यशोदा लकड़ी को हाथ में लेकर, हाथ में छड़ी लेकर प्रसमीक्ष सत्वरम तेज गति से दौड़ने लगी। और जैसे ही माँ यशोदा कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी तो भीतवत भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण आगे आगे दौड़ने लगे और माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर लकड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ने लगी। तीसरी लाइन में गोपी अन्व धावत, मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि माँ यशोदा गोपी अन्व धावत कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगी। माने किस कृष्ण के पीछे दौड़ रही है माँ यशोदा, किस कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही है? तो कहते हैं यमाप योगी नाम बड़े बड़े योगी शमम प्रविष्टेस्तु तपसेरितम मनः। बड़े बड़े योगी बहुत बहुत ध्यान करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लाखों वर्ष तक ध्यान करने पर, तपस्या करने पर उनके मन भी जहां पर नहीं जा सकते। शरीर तो छोड़ दीजिए, योगियों का मन जिस भगवान कृष्ण को नहीं पकड़ सकता उस भगवान श्री कृष्ण को साक्षात माँ यशोदा पकड़ने जा रही है। सो शमम प्रविष्ट तपसेरी तम मनः, योगियों के मन को पहुंचना जहां दुर्लभ है वहां माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनवंच माना जननी बृहत चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। माँ यशोदा की सुंदरता का वर्णन करते हैं, दिखने में सुंदर थी लेकिन रानी थी, शरीर थोड़ा सा हैवी था। सो कृष्ण के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक रही थी। जवेन विस्त्रंस्ति केश बंधन, माँ यशोदा के केश बांधे हुए थे लेकिन कृष्ण को पकड़ने में केश खुल गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण ने बहुत भगाया, बहुत ये भगाने की आदत कृष्ण को बचपन से जो रह गई ना तो एंड तक बनी रही। अब बचपन यहाँ भागे फिर जरासंघ को भी इतना ही भगाए, वो मथुरा में जरासंघ आया था तो जरासंघ बहुत भगाया, बहुत भगाया, फिर मूर असुर के साथ युद्ध के उसको भी भगाया। तो कुछ लोग को बचपन से रह जाता है। सो माँ यशोदा पीछे पीछे भागी और माँ यशोदा के बाल बाल खुल गए। और च्युत प्रसुन्ना नु गति परामृशत, और माँ यशोदा दौड़ रही हैं, पसीने से लथपथ हो रही हैं, भगवान श्री कृष्ण पीछे देख देख के दौड़ रहे हैं। वर्णन है कृष्ण और यशोदा के बीच में केवल एक हाथ का अंतर है, ज्यादा दूरी नहीं। माँ यशोदा को होता है कि बस अब पकड़ में आ गया, अब पकड़ में आ गया, अब आ गया, लेकिन ये कहाँ पकड़ में आने वाला। आचार्यगण लिखते हैं कि ये स्थिति हमारे भक्तिमय जीवन की है। हम भक्ति करते हुए सोचते हैं कि बस अब मिल गए, अब कृष्ण मिल गए, अब पकड़ में आ गए, अब पकड़ में आ गए, लेकिन इतनी आसानी से ये पकड़ में आने वाला नहीं है। सो माँ यशोदा तेज गति से पीछे दौड़ रही हैं और प्रयास कर रही है कि अब पकड़ में आ जाए, लेकिन माँ यशोदा बिल्कुल थक चुकी हैं, उनके बाल बिखर चुके हैं और कृष्ण मूर्त कर देख रहे हैं कि मैंने बहुत दौड़ाया, बहुत भगाया। तो एक समय ऐसा आया कि जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण की गति धीमी हो गई और च्युत प्रसुन्ना अनुगति परामृशत, और माँ यशोदा की गति तेज हो गई। ये परामृश शब्द, परामृशत शब्द सत्यव्रत जी ने यहां से चुराया है, परामृशत अत्यंतो धृत्य गोपिया दामोदर अष्टकम में। सो परामृशत, माँ यशोदा कृष्ण, कृष्ण की गति धीमी हुई, यशोदा की गति परामृशत तेज हुई और माँ यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। बड़े बड़े योगी जिनको नहीं पकड़ सकते, ध्यानी नहीं पकड़ सकते, उनको माँ यशोदा ने पकड़ लिया। और सुखदेव जी कहते हैं कृतागसम, कृतागसम माने अपराधी। अब कृष्ण तो जानते हैं मैं अपराधी हूँ, वो तो बिल्कुल पता ही था कि मैंने अपराध किया है,
तो यहां पर तो कुछ समझाने की या बताने की बात थी नहीं। सो कृता गसम तम प्रदुनंत मक्षिणी कशंत मज्जम मशिणी सो पाणिना, अपराध करने के कारण भगवान कृष्ण प्ररुदंत प्रकृष्ट रूपेण रुदंत जोर जोर से रोने लगे, पोक मुकी हमारे गुजराती में ऊके हम जोर थी चिल्लाते हुए रोने लगे हैं, साइलेंट में नहीं रो रहे थे, नहीं तो केवल रुदंत लिखा होता। यहां पर लिखा है प्ररुदंत, प्र माने प्रकृष्ट रूपे कंप्लीटली रो रहे थे। सो कृता गसम तम प्ररुदंत मक्षिणी, रोने के कारण कशंत मज्जन मशिणी सो पाणिना, अपने पाणिना अपने दोनों हाथों से भगवान श्री कृष्ण अपने आंखों को मसल रहे थे। इस दृश्य का वर्णन सत्यव्रत मुनि ने तोड़ दे ऐसा किया है। रुदंत मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम मुहुश्वाश कंपात्री रेखा ककंठ मुहुश्वाश कंपात्री रेखा ककंठ स्थित ग्रेव दामो दरम भक्ति बदम स्थित ग्रेव दामो दरम भक्ति बदम। सो रुदंतम मुहुर नेत्रम, कृष्ण अपने नेत्रों को मसल रहे हैं और नेत्रों को मसलने के कारण आंखों में जो काजल लगी हुई है वो काजल बाहर निकल रही है और कृष्ण के गले में जैसे शंख में रेखा होती है ना, शंख में ऐसे कौ, तो वैसे कृष्ण के गले में तीन रेखा है। कुछ लोगों को तो गला ही नहीं होता, इनको तो गला है। सो कृष्ण के गले में तीन रेखा है और सांस ले रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे जब बहुत रोना आते हैं तो सांस चढ़ जाती हैं, तो बिल्कुल फफक फफक कर रो रहे हैं। सो कृतागतम सम प्ररुदंत मक्षिणी कशंत मज्जिणी स्व पाणिना, अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों को मसल रहे हैं और उद्दीक्ष माणम भय व्यूह लेक्षण, और कृष्ण अपनी आंखों से भयभीत नेत्र से माता को देख रहे हैं। बिल्कुल कृष्ण की आंखों में भय है कि माँ के हाथ में जो छड़ी है वो छड़ी अब पड़ेगी, क्योंकि हाथ में लकड़ी थी और पकड़ लिया था कि अब ये छड़ी पड़ेगी, अब मारेगी। माँ यशोदा ने देखा कि लड़का बहुत ज़्यादा न डर जाए, नहीं तो जबकी जाशे, नहीं तो ये जबक जाएगा, रात को सो नहीं पाएगा। तब अगले श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द आया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम। माँ यशोदा ने त्यक्त्वा त्याग दी, यष्टिम माने लकड़ी, त्यक्त्वा यष्टिम माँ यशोदा ने अपने हाथों से लकड़ी को छोड़ दिया, काना को पकड़ के रखा, कृष्ण को पकड़ के रखा, लेकिन लकड़ी को छोड़ दिया। क्यों? सुतम भीतम, क्योंकि सूत बेटा भीतम भयभीत हो रहा था, डर रहा था। तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय अर्भक वत्सला, माँ यशोदा ने जब विज्ञ माने समझ में आया तो माँ यशोदा ने लकड़ी को त्याग दिया। सुखदेव जी चूक नहीं रहे हैं, सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा अर्भक वत्सला। माँ यशोदा कैसी थी? अर्भक, अपने बेटे के प्रति वत्सला, प्रेमी थी वो, कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। ऐसा नहीं कि कठोर हृदय बनाकर कृष्ण को बस मार कर तोड़ दे, बस उसको छाल छाला निकाल दे, इतना मारू पीटू, ऐसा नहीं था। वत्सला, वो डराने के लिए लकड़ी थी, लेकिन लकड़ी से अधिक डर गया इसलिए त्याग दिया। और ऐसी माँ यशोदा ने इयेश कील तम बद्धदुम दामना तद्वीर्य कोविदा। तत्वीर्य भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को न जानने के कारण अब माँ यशोदा तम बद्धुम कृष्ण को बांधना प्रारंभ कर रही है। माँ यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती हैं और जैसे ही बांधने गई सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से कमेंट देते हैं कि ये किसको बांधने जा रही है, ये यशोदा किसको बांधने जा रही है। न च अंतर न बहिर्यस्य, जिस कृष्ण के अंदर कुछ नहीं है, जिसके बाहर कुछ नहीं है,
न पूर्वम ना पिचापरम, जिसके पूर्व कुछ नहीं जिसके बाद में कुछ नहीं, पूर्वा परम बहिश्चंत जगत तो यह जगश्च यह, ये पूरा जगत जिसके अंदर है, जगत जिसके अंदर है, जिसके बाहर भी जगत है अंदर भी जगत है, जो आदि में है जो मध्य में जो अंत में है, इसका अर्थ जिसका न आदि है न अंत है, माँ यशोदा उस कृष्ण को बांधने जा रही है। बांधा उसे जाता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट हो, भाई यहाँ से शुरू किया यहाँ अंत हो गया बंध गया, लेकिन जिसका आदि ही नहीं है, ब्रह्मा ने कहा अनादि आदि गोविंद, और जिनका एंड ही नहीं है, तो जिसका न आदि है न अंत है उसको कौन बांध सकता है, लेकिन माँ यशोदा ने आज बांधना शुरू किया। माँ यशोदा मन में अब मैं इसे बांध दूंगी, तो ऐसे महान भगवान को माँ यशोदा बांधने का प्रयास, और अंदर की बात ये सक्सेस होगी। मान लो परीक्षित महाराज पूछे बांधने का प्रयास, अब इसको तो कोई बांध नहीं सकता, ये तो इतना महान है कृष्ण, फिर भी माँ यशोदा ने बांध दिया, इसका कारण अभी बंधा नहीं है लेकिन पहले से बता देते हैं, यदि आपको बांधना हो तो कारण, तम मत्वा अज अव्यक्त मर्त्य लिंगम अधोक्षजम। माँ यशोदा ने इनको बांधने का प्रयास किया, क्यों? क्योंकि तम उतने बड़े भगवान ईश्वर को अजम अपना बेटा मानती थी, कि ये कोई भगवान नहीं ये कोई ईश्वर नहीं ये मेरा बेटा है। मर्त्य लिंगम अधोक्षजम, मर्त्य लिंगम माने ये साधारण लड़का है और इसे मैं बांध दूंगी, तो अपना बेटा, इतने बड़े भगवान ईश्वर को माँ यशोदा अपना बेटा मानती थी और इसलिए उनको बांधने लगी। सो गोपी को उखले दामना बबंध प्राकृतम यथा, बाजू में एक उखल पड़ा था, अब यशोदा को इतना क्रोध था, तू तो अपराधी है ये उखल भी इतना ही अपराधी है, क्योंकि तू आज तक जितनी चोरी किया उखल के ऊपर चढ़कर किया ना, तो उखल तुझे चोरी करने में सपोर्ट करता है, तेरे टीम का मेंबर है, तुझे भी दंड मिलेगा उखल को भी दंड मिलेगा। तो बाजू में उखल पड़ा था, घसीट कर लाई और कृष्ण को बाजू ऐसे चिपका कर रख दिया और रस्सी बांधने लगी। बबंधम प्राकृतम यथा, जैसे एक प्राकृत एक साधारण बालक की तरह माँ यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास करने लगी। अब क्या हुआ? अब सुखदेव जी कहते हैं तद्दाम, उस दाम उस रस्सी से, अब रस्सी वहां पड़ी ही थी, उखल पड़ा था रस्सी पड़ी थी, ये सब इतनी तेज गति से चल रहा था, तो लिया और माँ यशोदा बांधने गई, तो तद्दाम उस दाम उस रस्सी से बध्यमानस्य, जब बांधने गई तो स्व अर्भकस्य कृतागस, अपने अर्भक अपने बच्चे के अपराध के कारण माँ यशोदा रस्सी से बांधने गई, तो द्वई उंगलोन अमभूतेन, तो रस्सी ऐसे ऐसे कमर से ऐसे गोल तो हो गई, लेकिन नहीं होता है 5 साल के बाद, हम पहले बेल्ट पहनते थे, वो बेल्ट होते ना पैंट में, 5 साल के बाद वो बेल्ट बहुत मौज शौक से निकालते पहनेंगे, लेकिन मोटे इतने साइज ऐसे इतने बढ़ती है कि वो इसकी तो 2 उंगली कम पड़ गई, यहाँ तो 2 हाथ कम पड़ जाता है वो बेल्ट का। फिर तब पता चलता है कि यार हम कैसे थे और कैसे हो गए। सो ये लॉकडाउन में ऐसे सब बहुत लोगों को हुआ है, खैर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कृष्ण मोटे हो गए, और रस्सी छोटी थी तो पूरे घेरावे में लेकर ऐसे रस्सी बांधने गई तो 2 उंगली कम पड़ गई, द्वई उंगलोम अनअमभूते न। तो फिर क्या हुआ? संद दे अन्यश्च गोपिका, तो बहुत सारी दासियां वहां पर खड़ी थी और देख रही थी क्या चल रहा है, तो जब उंगली ये रस्सी कम पड़ गई तो यशोदा कुछ डांटे कुछ क्रोध करे, क्योंकि घर पर माता को क्रोध आया तो समझो सबको उधड़ा लेने वाली है, क्योंकि उसमें एक के ऊपर क्रोध नहीं होता, फिर वो इफेक्ट जो है ना सबको आजू बाजू में सबको होता है, घर के मेंबर समझ ही जाते हैं कि आज सब शांति रख लो। तो यहां पर गोपियों ने सोच लिया कि ये क्रोध कहीं हम पर ना आए, तो रस्सी कम पड़ गई तो एक गोपी खड़ी थी बिना कुछ बोले सोचे समझे रस्सी उठाकर दूसरी रस्सी दे दी, यशोदा ने उस रस्सी को ज्वाइंट किया और फिर से बांधने गई, फिर से 2 उंगली कम। तो संद दे अन्यस्य गोपी का 2 उंगली कम,
तो किसी गोपी ने तीसरी रस्सी ला कर दी, ज्वाइंट कर दो, ज्वाइंट कर दी, चौथी, पांचवी, छठी, घर पर जितनी भी थी सारी रस्सी लगा दी। सुखदेव गोस्वामी आगे अगले श्लोक में कहते हैं, यद दासी तद अपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तद अपि द्वे उंगलम नूनम यद्दा दत्त बंधनम। सो इस प्रकार यशोदा को जितनी यद दासी तद अपि नूनम जितनी भी रस्सी दी गई फिर भी वह रस्सी छोटी पड़ती गई। ये लोग, कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं ना, आगे पीछे देख ले रस्सी जा कहाँ रही है, है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियों का वास है। भगवान कृष्ण के अंदर ऐश्वर्यमय शक्ति है, तो वो ऐश्वर्यमय शक्ति जो थी वो ये रस्सी बांधने नहीं दे रही थी, लेकिन माँ यशोदा ठान कर बैठी हैं कि मैं बांध लूंगी, बांध लूंगी। सुखदेव जी आगे कहते हैं, एवं स्वगेह दामानी यशोदा संध्यत्यपि गोपीनाम सुस्मयतीनाम स्मययंती विस्मिता भवत। इस प्रकार से अपने घर की सारी रस्सी, अपने गोकुल की सारी रस्सी से बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी दो उंगली रस्सी कम पड़ गई। ये दो उंगली का चक्कर माँ यशोदा नहीं समझ पाई, फिर भी दो उंगली कम पड़ गई और कृष्ण बंध नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि कृष्ण को माँ यशोदा बांध रही है और कृष्ण को बांधने में दो उंगली रस्सी कम पड़ रही है, इसका तात्पर्य अनेक आचार्यों ने वर्णन किया, शिल प्रभुपाद, श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी। सार ये है कि कृष्ण को बांधना माने कृष्ण को पकड़ना, और ये कार्य माता यशोदा ही नहीं, हम सब लोग कर रहे हैं, छोटे बड़े लेवल पर हम सब लोग यही कार्य। कृष्ण की भक्ति करने का मतलब क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को पकड़ना, कृष्ण को बांधना। तो हम सब लोग माँ यशोदा की तरह कृष्ण को प्राप्त करने का, बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब भी हम कृष्ण को पकड़ने का, बांधने का, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो माँ यशोदा की तरह दो उंगली रस्सी कम पड़ेगी। तो हमें अभी से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी इनकी तरह जब बांधने जाएंगे दो उंगली कम पड़ने ही वाली है। तो ये दो उंगली क्या है? तब आचार्यों ने कहा, भगवान को प्राप्त करने के लिए दो उंगली जो कम पड़ना, इसका तात्पर्य एक उंगली जो है वो है भगवान की कृपा, एक उंगली है भगवान की कृपा। अर्थात जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भगवान बंधन में नहीं आएंगे। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, हम लोगों के अंदर अभिमान होता ना, इतना करेंगे भगवान को आना ही पड़ेगा, भगवान कोई बंधन में बंधे नहीं है, वो पूर्ण स्वतंत्र है कि इतना माला करेंगे भगवान आएंगे नहीं, उनको कोई बंधन, उनका मूड हुआ तो आए, नहीं हुआ तो नहीं आए। सो एक है कृपा, बिना भगवान की कृपा के भगवान बंधन में नहीं आएंगे। तब हमारे मन में होगा, तब तो छोड़ो ये भजन साधन भक्ति, उनकी कृपा होगी तब वो बंधन में वो आ जाएंगे हमारे पास। तब आचार्य गण कहते हैं अभी एक उंगली बाकी है, भगवान की कृपा कब होगी? जब और एक उंगली, दूसरी उंगली, और वो है साधक का प्रयास, भक्तों का प्रयास। जब तक कोई साधक प्रयास नहीं करेगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। सो भक्तों, हमें प्रयास करना है, और हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वो है प्रयास। लेकिन याद रहे, वो प्रयास संप्रदाय के मार्गदर्शन में और गुरु के अंडर में होना चाहिए। प्रयास भी स्वतंत्र गति से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम साधकों के जीवन में केवल प्रयास कर सकते हैं, और वो भी संप्रदाय, उचित संप्रदाय और गुरु के मार्गदर्शन में। और इसीलिए इसके बाद जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भागवत का सार जो है ना हमारे लिए, ये 18वां श्लोक है। इस श्लोक को बिल्कुल कंठ में डाल देना चाहिए, ये पूरे प्रसंग का सार, पूरे हमारी भक्तिमय जीवन का ये सार है।
कई बार कुछ लोग हमें कहते ना कि ये आप 8 महीने से 9 महीने से अब तो 1 साल होने को आएगा, इतनी मेहनत क्यों करते हो, इतना गला क्यों खींचते हो, इतनी कथाएं क्यों करते हो। मैं जो भी करता हूं ना इस श्लोक के ऊपर आधारित कर रहा हूं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वमातृ, देखिएगा बहुत सुंदर बात, स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्तस्त कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित स्वबंधन। स्वमातु, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा को देखा, क्या देखा, स्वमातु। सबसे पहले तो कृष्ण ने देखा कि यह यशोदा मुझे अपना बेटा मानती है और वो अपने आप को मेरी मां मानती है, वो अपने आप को मेरी मां मानती है और मुझे उनका बेटा मानती है। तो पहले तो ये कृष्ण ने देखा और दूसरा स्विन्न गात्राया, बिचारी मेरी मां पसीने से लथपथ हो चुकी है और इतनी मेहनत मेरी मां ने की, इतना परिश्रम मेरी माता ने किया कि विस्त्रस्त्र कबरस्त्र ज उनके बाल भी बिखर गए, उनके बालों में से सारे फूल भी गिर गए और मेरी माता यशोदा के शरीर का कोई भान कोई ज्ञान नहीं रहा। तो ये बात, ये श्लोक की दो लाइन जो है ना, दृष्टवा, ये भगवान श्री कृष्ण ने देखा, क्या देखा, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण ने परिश्रमम दृष्टवा परिश्रम देखा। बहुत सारी बातें मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ जाइए, कृष्ण संख्या नहीं देखते, कृष्ण परिश्रम देखते हैं, परिश्रम देखते हैं कि ये साधक ये भक्त मेहनत कितनी करता है, परिश्रम कितना करता है। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, और कृष्ण ने देखा कि ये भक्त ये साधक ये मां यशोदा इतने पसीने से लथपथ, अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं, देह गेह का कोई भान नहीं। जब भगवान देखते हैं कि इस संसार का कोई जीव उनकी साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, प्रचार करने के लिए इतनी मेहनत इतना परिश्रम करे और परिश्रम करते करते उनके देह का कोई भान न रहे, गेह का कोई भान न रहे, जीवन चिथरा चिथरा हो जाए, तब भगवान देखते हैं कि बंदा परिश्रम कर रहा है। और जैसे ही कृष्ण देखेंगे ये परिश्रम कर रहा है तो कृपया आसीत स्वबंधन है, वो बंधन में आ जाएंगे। इस 18वें श्लोक में कृष्ण बंधन में आए, लेकिन बंधन में आने का एक ही कारण, परिश्रमम दृष्टवा। बहुत सुंदर बात है भक्तों, ये नया वर्ष शुरू हुआ है, जीवन में ये उतार देना चाहिए कि जमकर परिश्रम करना है। और कैसे परिश्रम, गुरु के मार्गदर्शन में परंपरा में यदि हम परिश्रम करेंगे भगवान हमारे परिश्रम को देखेंगे। हम रात दिन साधना करते हैं, हमारी साधना कैसी हम जानते हैं, लेकिन परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, है? मेहनत, ईश्वर मेहनत देखेंगे और कुछ नहीं। क्या हम मेहनत करते हैं, क्या हम समय निकालते हैं, क्या हम प्रायोरिटी देते हैं। सो परिश्रमम, श्रील प्रभुपाद ने कितना परिश्रम किया, श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु, जिनके पास कोई धन नहीं कोई संपत्ति नहीं, भगवत दर्शन मैगजीन छापते थे, स्वयं लिखते स्वयं छापते स्वयं उसे बांटते। ऐसा वर्णन है कि दिल्ली की बाजार में रोड पर बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु की गर्मी, सूर्य तप्त, और अपनी ही किताब लिखी है, प्रिंटिंग करवाई छाप कर और बांट रहे थे, सनस्ट्रोक लगा और मार्ग पर हाईवे पर वे मूर्छित होकर गिर गए। परिश्रमम दृष्टवा, कौन सोच सकता था कि जिसके पास जेब में 2 रुपया नहीं वो एक दिन अमेरिका जाएगा और पूरी दुनिया को हरि नाम पे नचा देगा। परिश्रमम दृष्टवा, भगवान ईमानदारी से यदि हम परिश्रम करेंगे तो ईश्वर तो अंदर ही बैठे हैं, वो अवश्य देखेंगे। मैंने तो अपने जीवन में माता पिता के संस्कारों से लेकर गुरुदेव की आज्ञा तक हमने तो यही समझा है कि जीवन में खूब परिश्रम करें,
क्योंकि भगवान और कोई देखे या न देखे, ईश्वर अवश्य देखता है और परिश्रम का वो फल देता है। देखो दुनिया में ऑफिस काम धंधे बिजनेस में बुद्धि चलेगी, लेकिन भजन करने में बुद्धि तो साइड में ही रख दीजिए, यहां तो परिश्रम करना होगा। खूब मंदिर में जाए तो झाड़ू लगाए, मंदिर में जाए तो भोजन बनाए, मंदिर में जाए तो बर्तन साफ करे, खूब परिश्रम करे, शरीर को तोड़ दे भगवान की सेवा में। ये शरीर को खा पीकर बहुत सजाया हमने, लेकिन एक दिन श्मशान की राख हो जाएगा। ये बहुत बड़ा घाटा है जो लोग शरीर के लिए रात दिन खाते पीते मौज शौक आदि करते हैं, वो शरीर को सुखी करने में आत्मा को दुर्गति में नरक में डाल रहे हैं। लेकिन बुद्धिमानी उसमें है कि शरीर को कसे, शरीर से इतना परिश्रम कराए ताकि आत्मा की उन्नति हो, आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार हो। सो स्व मातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज और दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपा आसीत स्वबंधने। भगवान कृष्ण बंधन में आ गए, बंधन में बंध गए। सुखदेव गोस्वामी ने जड़ी बरसा दी। मैं सिद्धांत के ऊपर सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी प्रदान करते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं एवं संदर्शिता, जब मां यशोदा के हाथों में कृष्ण बंध गए ना, मां यशोदा के हाथों से बंध कर संदर्शिता भगवान श्री कृष्ण ने सबको दिखाया। देखो संबोधन कहते हैं अंग, हे अंग, हे परीक्षित, तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें यह सीक्रेट बात करूं कि एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता। ये हरि जो है ना किसी के वश में, ये किसी का नहीं हुआ, लेकिन हरि भृत्य वश्यता अपने भक्त के वश में अवश्य हो जाता है। भगवान ने यह दिखाया एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता। क्यों? क्योंकि स्ववशेन अपि कृष्ण, कृष्ण किसी के वश में नहीं। स्ववशेन माने कृष्ण केवल अपनी मर्जी के बादशाह है, स्ववश माने अपना ही बस चलता है, कृष्ण किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण यशोदा के वश में, क्यों? भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के वश में हो जाता हूं। एवं संदर्शिता के माध्यम से इस लीला में भगवान ने बहुत कुछ दिखाया। क्या क्या दिखाया? आचार्य गण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि मैं आत्म राम हूं, एवं संदर्शिता, मैं आत्म राम हूं, लेकिन मेरे भक्त के लिए मैं स्तन्य काम हो गया, मुझे कामना उत्पन्न मैंने की, क्यों? मेरे भक्त के लिए मैं पूर्ण मनोरथ हूं। कृष्ण कहते हैं एवं संदर्शिता, कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि मैं पूर्ण मनोरथ हूं, मेरे मनोरथ पूर्ण है, लेकिन मेरे भक्त के लिए मैं अतृप्त रहा, मुझे लोभ हुआ मां यशोदा का दूध पीने के लिए। कृष्ण ने दिखाया मैं सदैव विशुद्ध सत्व में रहने वाला वासुदेव हूं, विशुद्ध सत्व में रहने वाला वासुदेव कृष्ण, लेकिन मेरे भक्त को आनंद देने के लिए मुझे क्रोध हो गया, मैं क्रोध भी कर लेता हूं। और जिससे महाकाल साक्षात यमराज भयभीत होते हैं, यत विभेति स्वयं भयम्, जिसके नाम से यमराज कांपते हैं, लेकिन वो ईश्वर आज भयभीत, स्वयं भयभीत हो गया, स्वयं डर गया, क्यों? क्योंकि वो भक्त के खातिर, मैं मेरे भक्त के मां के डर से मैं डर गया। भगवान ये दिखाना चाहते हैं। एवं संदर्शिता, भगवान ने दिखाया कि जहां बड़े बड़े योगी की पहुंच नहीं होती, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी जहां नहीं पहुंच सकते, वहां मुझे प्रेम करने वाला कोई साधारण व्यक्ति मां यशोदा पहुंच जाती है। और जो आनंद घन है, जो आनंद घन मूर्ति है, वो रो रहा, इस लीला में भगवान रोए ना किसके लिए? इति दृक्ष लीला आनंद कुंडे और स्वघोषम, इस लीला के घोष के द्वारा, अर्थात इस लीला की कथा के द्वारा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान स्वयं रोए कि मेरे भक्त यदि प्रसन्न हो तो मैं रोने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ने दिखाया
और अपनी माया से और कर्म आदि विश्व से जिसने पूरी दुनिया को बांध कर रखा है, वो स्वयं भगवान इस लीला में बंध गया। भगवान ने यह दिखाया, नेमम विरंचो न भवो, जो प्रसाद जो कृपा मां यशोदा को मिली वो कृपा नेमम विरंचो वो ब्रह्मा को भी नहीं मिली। यशोदा को जो सुख मिला ना, वो यशोदा का सुख नेमम विरंचो न ब्रह्मा को मिला, न भवो न शिवजी को मिला, अरे न श्री अपि अंग संश्रया, 2400 घंटा चरणों में बैठने वाली लक्ष्मी को भी वो सुख नहीं मिला। प्रसाद ले भी रे गोपी, जो सुख जो कृपा प्रसाद गोपी यशोदा प्राप्त कर गई, लाभ कर गई, वो ये कोई नहीं कर पाए। यत्र पाप विमुक्ति दात, भगवान श्री कृष्ण की कृपा। यद्यपि ब्रह्मा भगवान का बेटा है, शिव भगवान का स्वरूप अंश है और लक्ष्मी उनकी पत्नी है, लेकिन फिर भी यशोदा ने जो सुख प्राप्त किया वो किसी ने नहीं किया। नायम सुखाप भगवान देही नाम गोपिका सुत, ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामि है। कंक्लूजन देते हुए अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो सुख भगवान श्री कृष्ण से प्रेम और भक्ति करने से मिलेगा, वह सुख ज्ञानियों को तपस्वियों को ध्यानियों को नहीं मिलेगा। यदि सुख चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया और बांधकर अब तो इसका इनका पारा तो चढ़ा ही हुआ था। माँ यशोदा क्रोध में ही थी, उन गोपियों ने कहा कि माँ इसे छोड़ दो, ये बेचारा रो रहा है, इतना छोटा सा लाला बंधे हुए, जैसे जेल में बंद करते ना वैसे कारागार में उखल से बांध दिए और उस कमरे में छोड़ दिया। गोपियों को कहा एक तो तुम कंप्लेंट लेकर आती हो, आप लोग ही मुझे कंप्लेंट करते हो, और मैं जब दंड देती हूँ और तुम इसे छोड़ने का ना, भागो यहाँ से, सब लोग इसे छोड़ दो, इसे रोने दो। माँ यशोदा बिल्कुल कठोर होकर कृष्ण को वहाँ रोते हुए छोड़कर चली गई और कृष्ण उखल से बंधे हुए रो रहे हैं। ये रोती हुई छवि जो है ना भक्तों को बहुत पसंद है, क्योंकि भक्त सोचते हैं कि ये हमको जीवन भर रुलाता है, चलो एक बार हाथ में आया, एक बार तो रोया। इसलिए सत्यव्रत मुनि के सामने भगवान जब प्रकट हुए और कहा सत्यव्रत जो चाहिए वह मांग लो, तब सत्यव्रत मुनि ने यही कहा, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्य व्रीणे हम वरेषादपिह। इदम ये अभी जो चल रहा था, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरास्ताम किमन्ये। इदं वपु, हे प्रभु ये जो आपका वपु है, स्वरूप है, सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, मैं देखता रहूं, आप आशीर्वाद दीजिए। सो इस प्रकार से भगवान की यह सुंदर दामोदर लीला जिस स्थान पर हुई, हम सब लोग उसी उखल बंधन स्थान पर बैठे हैं और हम सभी भक्तों ने उस उखल बंधन स्थान का दर्शन किया। आज भी उस उखल बंधन स्थान के प्रतीक के रूप में ये वो स्थान है जहाँ पर माँ यशोदा कृष्ण को उखल के साथ बांध कर रखी थी। सो हमने इसका विस्तार से दर्शन आदि उखल बंधन स्थान का किया। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि अब कृष्ण को उखल से बांध दिया, माँ यशोदा चली गई, ये गोपियाँ चली गई, बलराम जी घर पर नहीं थे, बलराम जी रोहिणी के साथ कहीं दावत पर गए थे, कहीं बाहर गए थे। सो किसने बलराम को कहा कि दाऊ दादा, दादा दाऊ, दाऊ तो दादा है, भाई लोग हैं। बोले क्या हुआ? बोले आपके छोटे भाई को किसी ने बांध दिया और सुना है कि वो रो रहा है, ऐसा सुना है कि वो रो रहा है। अब आधी बात बेचारे दाऊ को मिली, ये नहीं पता चला किसने बांधा, लेकिन बांध दिया पता चला। अब दाऊ तो पैदा ही हुए हैं कृष्ण की रक्षा करने के लिए, कृष्ण उनका संकल्प, इसलिए तो बड़े भाई होकर आए, यही तो संकल्प है।
दाऊ बिल्कुल क्रोधित हो गए, अनंत शेष वो जो पूरा सर्प का वो जो पूरा गुण था पूर्ण आक्रोश में आ गए, किसने मेरे भाई को बांधा है, आज जिस किसी ने मेरे भाई को, दाऊ अब दौड़ते हुए चलते हुए पूरी टीम को साथ में लेकर आ रहे, आज जिस किसी ने मेरे भाई को बांधा है आज वो विधवा हो जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, यदि वो स्त्री होगी तो उसका पति विदुर हो जाएगा, यदि वो माँ होगी तो बेटे अनाथ हो जाएंगे, आज आज बलराम उसे नहीं छोड़ने वाला, किसने मारा मेरे भाई को, किसने मारा, बिल्कुल क्रोध करते हुए आक्रोश में आकर वो पहुंचे घर पर, और घर आकर पता चला कि ये तो माँ यशोदा ने बांधा है, बलराम की सारी हवा निकल गई और चुपचाप कोने में जाकर बैठ गए। बोले माँ ने बांधा है तब तो गड़बड़ है, चलो फिर भी कृष्ण की खबर तो लूँ, अपने त्या खबर काढ़वा जाए ना, कोई मांदू पड़ू हो तो खबर लेने के लिए जाते हैं, तो बलराम जी कृष्ण की खबर लेने के लिए उस कमरे में आए, जैसे ही कमरा खोला तो कृष्ण कई घंटे से अकेले ऐसे खड़े थे, भाई को देखकर और जोर से रोने लगे, ऐसा होता है, ऐसे एकांत में इतना रोना नहीं आता लेकिन जब दो तीन आते हैं तो और चिल्ला कर कृष्ण रोने लगे, भैया मुझे यहाँ से छुड़ाओ भैया, जोर जोर से रोने लगे। बलराम नज़दीक जाकर कहता है मैं पहले ही कहता था चोरी मत करना, मैं पहले ही तुझे कहता था चोरी मत करना, अब चोरी की तो दंड भोग, तो कृष्ण ने कहा आज के बाद चोरी नहीं करूंगा लेकिन अभी तो छुड़ाओ। बलराम ने कहा लेकिन कैसे छुड़ाऊं, दुनिया में किसी व्यक्ति ने बांधा होता तो मैं छुड़ा देता लेकिन माँ ने बांधा है मैं कैसे छुड़ाऊं। कृष्ण ने कहा कुछ करो, मुझे यहां से ये बंधन अच्छा नहीं लग रहा है। बलराम ने कहा ठीक है तू कहता है तो एक ट्राई करके देखता हूं, बाकी मुझे तो असंभव लग रहा है। अब दाऊ दादा अपने अंदाज में गए, बिल्कुल कमर पर हाथ रख के माँ यशोदा के पास और जाकर कहते हैं माँ एक काम करो उस कृष्ण को छोड़ दो। अब माँ भी चुपचाप क्यों छोड़ू, माँ तू जानती नहीं है ये कौन है। अच्छा मैं जानती नहीं है कौन है, तू जानता है ये कौन है। हाँ माँ कौन है बता। माँ ये साक्षात विष्णु है, विष्णु। अच्छा ये बिल्ली की आवाज सुनकर दौड़कर मेरे गोद में आकर रोने लगता है ये विष्णु है। माँ तुम विश्वास करो ये विष्णु है, विष्णु इसी ने सतयुग में नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया, वामन अवतार लेकर दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, इसी ने ही परशुराम अवतार लेकर 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया। माँ यही सब अवतार लेने वाला यही विष्णु है, विष्णु। अब जब बलराम ऐसा बोल रहे थे तो माँ थोड़े से नीचे झुकी और वो लकड़ी जो छड़ी पड़ी थी उसको हाथ में उठाया, और बलराम का जब पूरा हुआ तो माँ कहती है कि ये सारे अच्छा फिर माँ कहती है अच्छा ये विष्णु है तो तू कौन है, तेरा भी इंट्रोडक्शन दे दे क्योंकि तुझे भी नहीं। माँ मैं संकर्षण, मैं अनंत शेष, मेरे मस्तक पर करोड़ों ब्रह्मांड खड़े हैं, बस मस्तक हिलाने की देरी के ब्रह्मांड गिरे। अच्छा वो विष्णु तू संकर्षण। माँ हाथ में छड़ी लेकर कहती ये सारे अवतारों को जन्म लेने के लिए मेरा ही घर मिला था, ये सारे अवतारों को मेरा ही घर मिला, सारे अवतार मेरे ही घर में होने थे, एक तो बाजू में पड़ोस में होना था, भाग नहीं तो तुझे भी कृष्ण के साथ। और बलराम जी जो दुम दबाकर भागे हैं, कितनी वंडियों ठेक गए और कितने खेत पार कर गए, बोले आज यदि माँ यशोदा के हाथ में आया तो कृष्ण के साथ मुझे भी बांध देंगे। बलराम जी भागे और यहाँ भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, और रोते हुए भगवान श्री कृष्ण मन में समझ रहे हैं। इसके बाद ही सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं कि कृष्णस्तु गृह कृत्येषु, भगवान श्री कृष्ण को बांध कर माँ यशोदा गृह कृत्य अपने घर का काम करने के लिए चली गई। व्यग्राया मातरी प्रभु, अपने कामों में व्यग्र हो गई, तब उखल के साथ बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उस नंद बाबा के आंगन में, ये जहां पर हम लोग अभी उपस्थित हैं, वहां दो वृक्ष के ऊपर कृष्ण की दृष्टि गई। अद्राक्षिद अर्जुनो पूर्व गुह्य को धनद आत्मजो, श्री कृष्ण ने देखा कि ये दोनों पूर्व जन्म में नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र थे और बेचारे यहाँ पर बंधे हुए हैं, तो बंधे हुए तो तू पैदा हुआ तब से है, तुझे आज ही ये विचार आया कि ये बंधे हुए हैं। तो हरीश्वरी जी लिखते हैं
कि घायल की गति घायल जाने। भगवान श्री कृष्ण आज सोच रहे हैं, क्यों, ये तो 5 साल के हुए, तो उसको पहले सोच में आना चाहिए ना कि ये तो कई दिनों से यहां पर बेचारे वृक्ष के रूप में बंधे हुए पड़े हुए हैं। लेकिन ये सत्य बात है, जब तक खुद पर नहीं बीतती है ना, तब दूसरों का अंदाजा नहीं आता है। हरीश्वरी जी बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं, वो एक एक पॉइंट पर वो लिख देते हैं कि ये आज जब खुद पर बीत रही है, आज जब खुद को बंधन का अनुभव हो रहा है कि बंधन कैसा होता है, तब ये वृक्षों का बंधन उनको समझ में आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण, अब देखो समझने वाली बात, तब कृष्ण ने सोचा कि मुझे इसका उद्धार करना है। तो भक्तों, जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे हैं, ये सब लोग ही तो पाप भोगत रहे हैं, दंड भोगत रहे हैं, लेकिन उसमें ये नल कुबेर मणिग्रीव, ये अर्जुन यमलार्जुन का ही उद्धार करने के लिए क्यों सोचा, समझ रहे ना? पाप तो सब भोगत रहे हैं, ये जैसे 2 पेड़ हैं वैसे बहुत सारे पेड़ हैं, तो इन 2 वृक्षों का ही उद्धार करने के लिए क्यों सोचा। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरा नारदेन शापेन, मेरे नारद ने उनको श्राप दिया है, मेरे नारद ने वरदान दिया है, इसलिए मुझे उद्धार। ये नल कुबेर का चेहरा देखकर उनका उद्धार नहीं किया, आप समझ लीजिएगा। कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार किया तो नारद के चेहरे को देखकर, कि मेरे भक्त नारद ने वचन दिया है कि भाई गोकुल में जन्म लेना तो कृष्ण के हाथों से उद्धार होगा। सो नारद मुनि के कारण, तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि भगवान हमारा उद्धार करेंगे, हमारे अंदर तो कोई प्रभाव है नहीं, हम नल कुबेर मणिग्रीव की तरह है, लेकिन नारद जैसे गुरु यदि हमें वचन दे दे, नारद जैसे गुरु की कृपा हो जाए, तो उनको देखकर भगवान हमारा उद्धार करेंगे। और उसी नारद की परंपरा में ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने हमें वचन देकर रखा है कि 16 माला करोगे, 4 नियम का पालन करोगे और अपनी भजन साधना में ध्यान दोगे, तो आपका उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे। सो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जैसे संत के अनुगत्य में रहकर हम भजन करें तो निश्चित ही प्रभुपाद को देखकर भगवान हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम में जब सत्यव्रत मुनि ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान को स्तुति की, तब मानो भगवान कहे कि मैं आपका उद्धार, मैं आपका कल्याण कैसे कर सकता हूँ। तब सत्यव्रत मुनि ने अंत में इनको ही याद किया, कुबेर आत्म जो बद्ध मृत्ये व यद्वत, कुबेर में क्या था, कुबेर के उन दोनों पुत्र में, लेकिन आपने उनका कल्याण किया, वैसे आप हमारा कल्याण कीजिए। तो हम सब भक्त उखल बंधन स्थान पर हैं, आइए अब हमें नंद भवन जाना है। सो उखल बंधन से चलकर नंद भवन की ओर आगे बढ़ना है। मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूं ताकि आपके समझ में आए। सबसे पहले हम ब्रह्मांड घाट पर थे, ठीक है, हम महावन गोकुल में प्रवेश किए, तो ब्रह्मांड घाट पर हम रुके हैं। अब बोरिया बिस्तर बांधकर हम आगे बढ़े तो इसी यमुना के तट पर चलते हुए हम यहाँ उखल बंधन स्थान पर आए। ये है उखल बंधन स्थान, और अब हम उखल बंधन स्थान से उखल बंधन के बिल्कुल ठीक सामने नंद बाबा की गौशाला है। उखल बंधन के सामने नंद महाराज की ये गौशाला है, आप देख सकते हैं। आप देखोगे ऊपर एक टेकरी है, वहाँ पर एक आज मंदिर है, कुछ गैया हैं, लेकिन उन दिनों यहाँ पर बहुत सारी गाय हुआ करती थी। सो ये नंद बाबा की गौशाला उखल बंधन के सामने ये जो स्थान है वहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ की छोटी सी लीला मैं आपको कह दूँ कि इसी नंद बाबा की गौशाला में कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ था। जब गर्गाचार्य गोकुल में आए, उस दिन नंद बाबा अकेले घर पर थे, गर्गाचार्य का स्वागत किया, निवेदन किया कि मेरे दोनों पुत्र का नामकरण कर दीजिए। बोले नहीं नहीं कंस तो बड़ा पापी है और मैं यदुओं का कुल पूर्व हुई, तो आप वैश्य हो तो मैं आपका पुत्र का नामकरण करूँगा तो कंस को पता चल जाएगा, वो मार देगा। बोले चिंता मत करो, किसी को पता न चले वैसे हम करेंगे,
बोले कहाँ? बोले गौशाला में जाकर। तो गौशाला में जाकर इसी गौशाला में नामकरण किया गया। तो वसुदेव जी प्रदान करते हैं, सर्वप्रथम बड़े पुत्र को गर्गाचार्य के गोद में रखते हैं और कहते हैं कि इसका नामकरण करें। तब गर्गाचार्य कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है, रमयन सुहद गुणे, अपने गुणों से सबको रमाएगा। सो रमयन सुहद गुणे, अपने सुंदर गुणों से लोगों को रमाएगा, तो आख्याते राम इति, इसलिए इसका नाम होगा राम। तो इनका पहला नाम रखा गया राम। और फिर बलाधिक्यात बलम विदु, क्योंकि इसमें बल अधिक्यात, इसमें बल ज्यादा होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम है बल। देखिए राम एक सेपरेट नाम है और दूसरा नाम रखा बल। और यदु नाम अपृथक भावात, और यदु कुल और सात्वत वृष्णि वंश को ये कनेक्ट करेगा, ज्वाइंट करेगा, कर्षित करेगा, इसलिए इसका तीसरा नाम है संकर्षण। तो इनके तीन नाम रखे गए, संकर्षण, बल और राम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये दो नाम ज्वाइंट बोल देते हैं, बल राम। परंतु भागवत के अनुसार राम अलग हैं, बल अलग हैं और संकर्षण, ये तीन नाम रखे गए। उनको ले लिया, अब ये नटखट को रखा गर्गाचार्य के गोद में, गर्गाचार्य की दाढ़ी थोड़ी खींची ये मैं जोड़ रहा हूँ भाई, कुछ तो अंदर होता है ना, तो गर्गाचार्य की दाढ़ी खींची होगी, गर्गाचार्य का कान खींचा होगा, कहा होगा जल्दी रख कितने दिनों से लोग लाला 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 कर रहे हैं, जल्दी नाम रख। तो गर्गाचार्य कहते हैं आसन वर्णा स्त्रियो यस्य गृहण तो अनुयुगम तनु। नंद बाबा ये लड़का जो ना कुछ अलग है, कुछ हटके है। नंद बाबा सोचे, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ ये कुछ हटके तो है। बोले ये आपका बेटा हरेक युग में पैदा होता है और सभी युगों में इसके शरीर का रंग अलग होता है। तो आसन वर्णाश्रयो यस्य गृणन्तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत। सतयुग में शुक्ल रंग सफेद रंग का होता है, त्रेता में रक्त, कलयुग में पीत, लेकिन इदानिम कृष्ण ताम गतः, लेकिन इस बार द्वापर में कृष्ण ताम गत, ये काला बनकर आया, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान राम और कृष्ण, ये दोनों नामकरण ये गौशाला में किया गया। अब नंद बाबा की गौशाला में 900,000 गैया होती थी यहां पर। खैर, तो अब हम यहां से आगे बढ़े तो एक बहुत सुंदर स्थान है नंद भवन। ये नंद बाबा की गौशाला से हम आगे बढ़ेंगे तो ये नंद भवन स्थान है। आइए हम नंद भवन में सीधा पहुंचते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, हरे कृष्ण। तो सभी दर्शक मित्रों, सभी भक्तों से के चरणों में नमन। और हम जो गोविंद टीवी के माध्यम से आपको व्रज 84 के दर्शन करा रहे हैं, तो मैं आनंद शक्तिदास आप सभी दर्शक मित्रों एवं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ गोविंद टीवी पे। और आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं वह स्थान है भक्तों 84 खंबा, नंद बाबा का भवन, नंद भवन। और यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर जो लड्डू गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ के जो पंडा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उपस्थित है, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ का जो महत्व है वो हम सभी को श्रवण कराएं। बोलो नंद महाराज की, जसोदा मैया की, बलदाऊ भैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसको नंद भवन 84 खम्मा बोला जाता है। ये चार धाम के माता पिता का घर गोकुल गांव है। जो लोग 84 कोस का परिक्रमा करते हैं, मथुरा वृंदावन नंदगाम बरसाना, यही 84 खम्मा है। जो अपने माता पिता को 84 का चार धाम का परिक्रमा नहीं करा पाते हैं, पैदल पैदल समय के कारण, शरीर के कारण यहाँ आए के 84 का परिक्रमा करें तो 84 से मुक्त हो जाता है। इधर में गोरे गोरे बैठे हैं नंद बाबा हैं, दूसरी साइड में जसोदा मैया हैं, बीच बारे दाऊ जी महाराज हैं,
रे भगवान पालना में झूलती है, जो जसोदा ने भगवान का पालना झुलाया है यही पालना झुलाया जाता है। और जमुना मैया ने भगवान का चरण छिया है, मंदिर में चरण चिन्ह बने हैं, उनको छूने को मिलता है। यहाँ भगवान ने बाल लीला की, पूरासुर धेनकासुर कागासुर सभी राक्षसों का यहाँ मोक्ष किया। भगवान गऊ चराने गए, खेल खेल में माटी खाया, जसोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया। यहाँ देखने के लिए भगवान के जमाने का चार चीज, सबसे पहला गोवर्धन पहाड़, दूसरा जमुना मैया, तीसरा 84 कोस का ब्रज भूमि, चौथा नंद भवन। जय बोलो दाऊजी महाराज की, कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो भक्तों, प्रभु जी ने यहाँ के जो पंडा जी है उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर प्रकार से यहाँ का जो मातम है वो बताया कि व्रज में चार चीज है, आज भी उपस्थित है। जैसे कि भगवान इस धराधाम के से वैकुंठ गए तो उसके बाद की यहाँ पे चार चीज आज भी उपस्थित है। सर्वप्रथम क्या बताया, व्रज की रज। दूसरा हमें बताया गिरिराज गोवर्धन। तीसरा यमुना नदी। और चौथा जो आप देख रहे हैं ये नंद भवन। तो दर्शक मित्रों और सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत ही भाव से इस जो हम आपको पूरे 84 की परिक्रमा कराएंगे, 84 के दर्शन कराएंगे। आज जिस स्थान पे है हम, ये है महावन, महावन में स्थित नंद भवन 84 खंभा। तो सभी भक्तों से निवेदन है ये दर्शन में का लाभ आप लेते रहिए। और साथ ही साथ जो यहाँ का विशेष महत्व है वो हमें गोविंद टीवी के माध्यम से हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु श्रवण कराएंगे। हरे कृष्णा। तो आपको जो अभी भी महत्व बताया और साथ साथ में दूसरा जो महत्व है वो यहाँ पे जो 84 खंभा है, तो 84 खंभा में 80 खंभा जो है वह विश्वकर्मा जी ने स्वयं लगाया है और 4 स्तंभ जो है वो ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और सभी जितने भी यहाँ पे स्तंभ है उन सभी स्तंभों पे अलग अलग डिज़ाइन अंकित हुई है। और जैसे भी कहते थे कि भगवान जो मक्खन खाते थे यहाँ पे, तो मक्खन खाने के बाद भगवान जो हाथ नहीं धोते थे, भगवान इसी स्तंभ से अपने हाथ पोंछ दिया करते थे। तो आज भी प्रत्येक स्तंभ पर भगवान के हाथों के निशान अंकित है। हरे कृष्णा। तो भक्तों देखिए, यहाँ पे हम आपको कुछ और भी दर्शन कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो घुम्मट बना है, ये जो घुम्मट है ये केवल घुम्मट ही नहीं है, इससे यहाँ पे झूला झूलाने का लिए रखा गया था। यहाँ से ऊपर से रस्सी बनती थी और इसी स्थान पे भगवान का झूला लगता था और मैया यशोदा झूला झूलाती थी। और उस समय में जब दीपक नहीं होते थे, मतलब रोशनी लाइट नहीं होती थी, तो इसी, ये देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं इस पे मैया यशोदा घी के दिए जलाती थी। चारों ओर बने हुए दीपक के निशान, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और उसी प्रकार से इससे ठीक सामने चौथा दीपक का निशान बना हुआ है, जहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में जैसे लाइटें नहीं की होती थी तो यहाँ से दिए जलते थे। और साथ ही साथ हम आपको दूसरे भी यहाँ के दर्शन कराएंगे, जो कि जो 4 स्तंभ, ये जो आप देख रहे हैं 84 खंभा है, इसमें से 4 स्तंभ जो है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने लगाए हैं, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो यही वो 4 स्तंभ है जो कि ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किए गए थे। ये जो प्रथम स्तंभ है ये है सतयुग का, तो सतयुग का स्तंभ है। तो इस पर आप देखिए सतयुग में क्या हुआ था, तो समुद्र मंथन हुआ था, तो इसमें अमृत कलश का निशान है। फिर जो वासुकी नाग को रस्सी मंथानी बनाया गया था, तो ये देखिए ये रस्सी का निशान भी है यहाँ पे, ये पूरी रस्सी का निशान है, अमृत कलश का निशान है। हाँ, इस प्रकार से ये सतयुग का चिन्ह प्रतीत है। फिर दूसरा स्तंभ जो है वह है त्रेता युग का प्रतीक। त्रेता युग में रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य अंकित है, सूर्य बना हुआ है,
और तत्पश्चात जो पूर्ण जो डिज़ाइन है इनकी वो सतयुग को प्रतीत करती है, रामचंद्र भगवान के जो निशान है इसमें बने हुए हैं। तत्पश्चात तीसरा जो स्तंभ है ये वाला, हाँ तीसरा स्तंभ ये है, ये द्वापर का प्रतीत है। द्वापर में, तो द्वापर में चंद्रवंशी भगवान थी कृष्ण आए, तो ऊपर देखिए आप यहाँ पे चंद्र बना हुआ है। और भगवान की लीला का इस पे दर्शन है। और चौथा जो स्तंभ है यह वाला, यह कलयुग का प्रतीक है। हरे कृष्ण। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है यशोदा मैया और रोहिणी मैया छठ पूजन। तो ये वो ये मंदिर यह है जिसमें एक बाजू यशोदा मैया की गोद में लाला है और दूसरी बाजू रोहिणी माता जी के गोद में बलराम जी है। और भक्तों यहाँ पे इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे 84 खम्बा है, 80 खम्बे विश्वकर्मा जी ने लगाए और 4 खम्बे ब्रह्मा जी ने लगाए। तो ये 84 खम्बा इसलिए लगाए कि व्रज 84 के जो दर्शन हैं, यदि कोई व्यक्ति व्रज 84 के दर्शन नहीं कर पाता है और अपनी कोई व्यक्ति यदि व्रज 84 के दर्शन नहीं कर पाता है, व्रज 84 की परिक्रमा नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे लगे जो 84 स्तंभ की परिक्रमा कर लेता है तो उन्हें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। सुनंद भवन की जय, नंद के लाला की जय। सो इस प्रकार हमने आज गोकुल में नंद भवन और नंद भवन के अंतर्गत 84 खम्बे का दर्शन किया। बहुत सुंदर ये आप अकेले जाते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये इतना अच्छे से दर्शन नहीं होता जो यहाँ पर हमें मिला। सो बहुत सुंदर यहाँ पर 84 खम्बे 84 लाख योनि के प्रतीक है। यदि इस 84 खम्बे का दर्शन करके आलिंगन करते हैं, एक खम्बे को आलिंगन किया तो 1 लाख योनि माइनस, तो ये जीव जो 84 लाख की योनि में भटकने वाला है, वैसे सभी 84 खम्बे को आलिंगन करने से 84 लाख योनियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये तो पहली बार सुना कि कृष्ण के हाथ माखन वाले बिगड़ते थे तो छोटे बच्चे होते हैं दीवार से पोंच देते हैं, तो इस 84 खम्बों से वे पोंच देते थे। उन दिनों ये खम्बे मणियों के बने होते थे, सुंदर मणि के द्वारा निर्मित, और कृष्ण इन्हीं खम्बे में अपने प्रतिबिंब को देखते थे तो लगता था कोई लड़का खड़ा है, और फिर उनसे बातचीत करते थे, माँ यशोदा दर्शन करती थी। तो ये नंद भवन है और इस नंद भवन के बाहर जैसे आपने देखा नंद माँ यशोदा और रोहिणी देवी का मंदिर और ये सब कुछ है। और इस नंद भवन के बाहर थोड़े से दूर जाएंगे तो वहाँ पर नंद महाराज का एक कूप है, सप्त समुद्र कूप, सप्त समुद्र कूप है। नंद महाराज ने के दिनों में ये कुआं वहाँ पर हुआ करता था। श्री नंद महाराज जाति से वैश्य थे और वैश्य होने के कारण नंद बाबा के मन में ये भावना थी कि हम लोग खेती करते हैं, गैया चराते हैं, हम जो कार्य करते हैं उस कार्य में जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं, उस पापों से मुक्त होने के लिए ये सप्त समुद्र कूप अर्थात सातों समुद्र इस कुएं में है। सात समुद्र हम कहते हैं ना भागवत में जिसका वर्णन है, तो इस कुएं के जल से यदि कोई स्नान कर लेता है तो अपने कर्म के मार्ग में, अपने काम धंधे बिजनेस में, जो किसान है तो खेती में जीव जंतु मर जाते आदि, तो इस सप्त समुद्र कूप से जो स्नान करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। सो नंद बाबा रोज इस कुएं से स्नान करते थे कि भाई दिन भर जो पाप किए हैं
उनसे मुक्त होने के लिए। सो ये नंद भवन के बाजू में है। और हम आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत सुंदर स्थान है, सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर। यहाँ पर सनातन गोस्वामी इस कुटीर में भजन करते थे। देखिए ये गोकुल है और आज दो गोकुल है, वहाँ पर और भी एक गोकुल है, नया गोकुल पुराना गोकुल। हमारे गंगा के समान पवित्र पावन जो पुरुष्टि संप्रदाय चला और उनके आचार्य श्रीपाद वल्लभाचार्य हुए, श्रीपाद वल्लभाचार्य के अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर एक बहुत सुंदर गोकुल गांव ही बसाया गया है और बहुत सुंदर यहाँ पर उनकी साधना सेवा पूजा गतिविधि आदि होती है। उनके बीच में यहीं पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। सनातन गोस्वामी यहाँ पर भजन करते थे और विशेष बात, इसी स्थान पर सनातन गोस्वामी को मदन गोपाल का दर्शन हुआ था। सो यहाँ पर सनातन गोस्वामी यमुना के तट पर मदन गोपाल को बच्चों के साथ खेलते हुए देखते, उनका दर्शन करते। एक दिन सनातन गोस्वामी देखा ये सारे बच्चे यमुना के तट पर खेल तो रहे हैं लेकिन इसमें एक लड़का जो है ना बिल्कुल अलग सा प्रतीत हो रहा है, एक लड़का बिल्कुल अलग सा लग रहा है। तो सारे बच्चे खेलने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, अपने अपने घर पर चले गए लेकिन जो अलग सा लड़का लग रहा था सनातन गोस्वामी ने उनका पीछा किया, उनके पीछे चलते गए। चलते 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 वो लड़का मदन मोहन मंदिर के अंदर गया, सनातन गोस्वामी भी अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो वो लड़का नहीं था। तो सनातन गोस्वामी ने कुछ दिन तक ये ऑब्जर्वेशन किया और पता चला कि वो लड़का मदन मोहन की मूर्ति में समा जाता है। सो वही मदन मोहन, मदन गोपाल मदन मोहन के रूप में प्रकट, और सनातन गोस्वामी ने वृंदावन में जिस राधा मदन मोहन की स्थापना की जो आज जयपुर करौली में है। सो सनातन गोस्वामी को यहीं पर प्राप्त, यहीं पर वे भजन करते थे। इसी मंदिर के अंदर बेसमेंट आजकल हम लोग कहते हैं, पहले के ज़माने में भी होते थे, तो मंदिर के नीचे भूगर्भ में अंदर सीढ़ी से उतर कर जाएंगे तो पाताल देवी का मंदिर है। पाताल देवी वहाँ पर उपस्थित है। और फिर उस पर्वत से हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर पूतना उद्धार का विग्रह है। तो इसी गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा था। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, सो भगवान श्री कृष्ण, आपकी जानकारी के लिए, गोकुल में कृष्ण 3 वर्ष और 4 दिन तक रहे। कितने? 3 वर्ष और 4 दिन तक कृष्ण गोकुल में रहे। 3 वर्ष 5वें दिन कृष्ण और ये पूरे गोकुलवासीगण वृंदावन में मूव हो गए, वृंदावन में शिफ्ट हो गए। वृंदावन माने आज जिसे हम नंदगांव कहते हैं उसे उन दिनों वृंदावन कहा जाता था। सो 3 वर्ष 4 दिन तक कृष्ण रहे, उनमें उन्होंने पूतना का उद्धार किया। जिस स्थान पर पूतना का उद्धार किया वो स्थान भी है और वहाँ पर विग्रह है। त्रिणावर्त उद्धार किया तो उनका भी एक प्रतीक विग्रह है। और फिर यह करते हुए, मैं आपको मैप में यदि दिखाऊँ तो आपको आइडिया आएगा, यह करते हुए ब्रह्मांड घाट, वहाँ से गौशाला, वहाँ से उखल बंधन, वहाँ नंद भवन, सनातन गोस्वामी की कुटीर, और अब गोकुल में अंतिम दर्शन है रमण रेती है। सो अब हम रमण रेती में आए हैं और रमण रेती का हम सब दर्शन कर रहे हैं। ये पावन रमण रेती है। इस रमण रेती में भगवान श्री कृष्ण रमण करते थे। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण 4 वस्तु को छोड़कर गए। कृष्ण तो गए, अब वो तो स्वतंत्र ईश्वर, उनको कौन रोक सके। वाह, रमण रेती। सो भगवान श्री कृष्ण 4 वस्तु को छोड़कर गए। एक तो उनकी वेणु, भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणु को छोड़कर गए, और स्त्रेणु, स्त्री भाव को छोड़कर गए, गोपी भाव को कृष्ण इस धरती पर छोड़कर गए, और भगवान श्री कृष्ण ब्रज की रेणु और धेनु, गौ माता को, सो धेनु गाय को छोड़कर गए, स्त्रेणु स्त्री भाव को छोड़कर गए, और वेणु बांसुरी को छोड़कर गए, और रेणु ब्रज रज को छोड़कर गए। तो आइए, हमारा गोविंद टीवी जो है पहुंच चुका है यहाँ रमण रेती में। रमण रेती का हम दर्शन करें। यहाँ पर रमण बिहारी भगवान विराजमान है,
रमण बिहारी जी का दर्शन करे, बहुत सुंदर, तो सुंदर रमण बिहारी भगवान। इस रमण रेती में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अब मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस रमण रेती में आलोटते थे, इस रमण रेती में रमण करते थे। तो ये हैं रमण रेती। रमण रेती के विषय में आइए यहाँ के हम संतों के मुख से ही श्रवण करें। इसका नाम है रमण रेती महावन। रमण रेत लोट्यो नहीं कियो ने यमुना पान, और रे मन से जाने ब्रज को तत्व महान। यहाँ का भगवान की क्रीड़ा स्थली रमण रेती है। यहाँ आकर के सभी रेता में लोटपोट मार करते हैं ठाकुर रमण बिहारी की क्रीड़ा स्थली में। इनका नाम रमण बिहारी है। जय श्री कृष्णा। हैं ये मथुरा माहौन के बीच में रमण रेती यमुना के तट पर बसी हुई है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रकार से यहाँ पे हमें गोविंद राधा रमण बिहारी जी का दर्शन कराया। तो हम अब जिस स्थान पे है यह है रमण रेती। रमण रेती में हम बहुत ही सुंदर प्रकार से रमण रेती का दर्शन किया एवं यहाँ के जो राधा रमण बिहारी जी हैं इनका दर्शन किया। तो आप बने रहिए गोविंद टीवी के माध्यम से, हम आपको यहाँ के पूरे व्रत चौरासी के दर्शन भी कराएंगे और साथ ही साथ इस गेस्ट लाल गोविंद प्रभु जी के द्वारा प्रवचन भी सुनाएंगे। हरे कृष्ण। सो आइए, रमण रेती का दर्शन हो गया, अब हमें चलना है रावल की ओर। आज का हमारा डेस्टिनेशन, आज का हमारा जो पड़ाव है रावल। तो गाते हुए नाचते हुए आपने बहुत सारा दर्शन किया है, सो रमण रेती से हमारी यात्रा चलेगी और हम सब लोग नाचते हुए गाते हुए चलेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद हो हे, हेलो हेलो लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। बाउजे एवरीबॉडी, गोपाल नंद लाल गोपाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। कृष्ण राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ब्रज की धूल में आलोटिए, ब्रज रज में हो। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा यमुना का मार्ग पकड़ा है सभी भक्तों ने यमुना का मार्ग पकड़ा है नव गोकुल होते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते हैं ए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राधा रानी का जन्म स्थान लाली लाल मंदिर सुंदर स्थान आ चुका है भाव से राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे रावल धाम की है राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे जहाँ भी राजे राधा रानी जहाँ भी राजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार ले चल परली पार ले चल हो तो हमारी यात्रा रावल श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान लाडली लाल मंदिर पहुंच चुकी है तो हमारे 29 दिन का पड़ाव आज रावल धाम में है राधा रानी के जन्म स्थान में है तो सभी भक्तों से निवेदन यहाँ पर अपना पड़ाव कीजिए रावल का स्मरण कीजिए और जय जयकार करें श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय सो धन्यवाद आप सभी भक्तों का आज 29वां दिन ब्रजमंडल परिक्रमा का यहीं पर विराम करता हूँ सो धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा
रामेश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम् यशोदाभियो लोकनाधवमानम् यशोदाभियो लोकनाधवमानम् परामृष्टमतन्ततो भृत्य गोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्म भृजन्तम् करांभोज युग्मेन सातंकनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्र युग्म भृजन्तम् करांभोज युग्मेन सातंकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्री रेखा ककंठ मुहुश्वासकं पात्री रेखा ककंठ स्थित ग्रीव दामोदरं नाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीय शीतागेषु भक्तजितत्वम् तदीय शीतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृतिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिमा न जान्यमृणेऽहं वरेषदतेह वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं मा न जान्यमृणेऽहं वरेषदतेह
इदं ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम् Radha Damodara, Radha Damodara.
राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।